मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष की बात करेंगे, न विपक्ष की बात करेंगे, वल्ली निष्पक्ष बात करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। दरोगा भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से जो बताया गया वही हुआ। हमने कहा था कि कटाप चौंकाने वाला होगा और परिणाम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा, जो कि पूर्णतः सत्य हुआ। कुछ तथ्य के साथ मैं आपको जानकारी दूंगा। विभिन्न समाचार पत्रों में जो भी खबरें आई हुई हैं उसके संबंध में आपको बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। होगा या नहीं होगा, हो सकता है, कब तक हो सकता है, क्या होने वाला है, अगर हर एक विषय पर सही और सटीक जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखा करें। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आप भ्रमित न रहें, हमेशा सही सटीक जानकारी पाएं। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी अवश्य दूंगा। पहली खबर जेईई एडवांस की परीक्षा को लेकर है। जेईई एडवांस की परीक्षा 28 अगस्त को होगी। पहली यह परीक्षा 3 जुलाई को होने वाली थी। इसका आयोजन IIT मुंबई कराएगा। जेईई एडवांस 2022 का गुरुवार को संशोधित बुलेटिन जारी किया गया है। इसके अनुसार जेईई एडवांस के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 7 से 11 अगस्त तक चलेगी। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त निर्धारित की गई है। एडमिट कार्ड 23 को जारी किया जाएगा सुबह 10 बजे, जिसे 28 अगस्त तक डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा रविवार को यानी कि 28 अगस्त को दो पालियों में कंडक्ट कराई जाएगी। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन से लौटे छात्रों को देश में मिलेगा दाखिला। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों और तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजा है कि इसमें यूक्रेन से लौटे छात्रों को मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला देने को कहा है। AICTE का कहना है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई में देश के 20,000 छात्र प्रभावित हुए हैं, उनकी पढ़ाई छूट गई है। पढ़ाई छूटने के बाद ऐसे छात्र डिप्रेशन में चले गए हैं। उन सभी छात्रों को भारत में एडमिशन मिलेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी को डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। या सबसे बड़ी खबर है, और आप अपनी पढ़ाई को भारत में पूरा कर पाएंगे। अगली खबर बिहार की है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा से इंजीनियर बन सकते हैं कर्मी। बिजली कंपनी में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मी अब सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT देकर इंजीनियर बन सकते हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने सहायक व कनीय अभियंता सहित विभिन्न पदों पर आंतरिक नियुक्ति के लिए 193 पदों पर बहाली निकाली है। इसके लिए 8 अप्रैल से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 18 को आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। आवेदन में 21 तक सुधार का मौका मिलेगा। टेस्ट 12 मई को संभावित है। नोटिस के मुताबिक प्रोबेशन पीरियड सहित कंपनी में 3 साल की नौकरी पूरी कर चुके कर्मी ही टेस्ट में भाग लेने के योग्य होंगे। अगर आप परीक्षा पास करते हैं तो आप इंजीनियर बन जाएंगे। महंगाई को लेकर बहुत बड़ी खबर है, माह में 2 बार बढ़ाए दाम, खाना 15 रुपए महंगा हो गया है। होटलों और ढाबों में अब 90 रुपए में मिलेगी फुल डाइट। पहले यहाँ 70 रुपए था, अब 90 रुपए के करीब पहुंच गया है। तवा रोटी 7 की जगह अब 9 रुपए में मिलेगा। पहले 5 था, उसके बाद 7 हुआ, अब 9 रुपए हो गया है। तो महंगाई लगातार बढ़ रही है। आम जनता कैसे भोजन करेगी, कैसे रहेगी? तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, नींबू चोरी हो रहा है, रिकॉर्ड है। भविष्य में क्या होगा इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं जितना बड़ा हूँ, जितनी मेरी उम्र है, आज तक हमने नींबू चोरी होते समाचार पत्रों में नहीं पढ़ा था। लेकिन महंगाई ने सब कुछ कर दिया, वह कर दिखाया। सरकार ने जो कर दिखाया वह कोई नहीं कर पाएगा। वर्तमान सरकार में नींबू भी चोरी होने लगा है, बताइए। अगली खबर है पृथ्वी को लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। कुछ महीनों से सूर्य में रहस्यमयी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं।
हाल ही में सूरज पर मौजूद एक डेड स्पॉट यानी कि मृत धब्बे पर जोरदार विस्फोट हुआ है, जो पृथ्वी के लिए खतरा साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पॉट से निकलने वाली रेडिएशन के कारण धरती पर गुरुवार या शुक्रवार को जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म यानी कि तूफान आएगा, जिससे रात में ब्लैक आउट होने और एयरटाइम डिवाइस बंद होने के संकेत मिले हैं। और मैं आपको बता दूं, इसी साल की शुरुआत में एलन मास्क की स्पेस कंपनी के 40 सैटेलाइट जियो मैग्नेटिक तूफान के शिकार हुए थे, आपको मालूम होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना जरूरी है। ट्विटर बिकने वाला है, कौन खरीदेगा इस पर बात करेंगे। ट्विटर को 3.2 लाख करोड़ में खरीदेंगे एलन मस्क, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने 43 अरब डॉलर यानी कि करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए में ट्विटर इंक को खरीदने का ऑफर दिया है। इसके लिए मस्क 54.20 डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से कैश पेमेंट को तैयार है। जब मस्क ने ट्विटर के शेयर खरीदना शुरू किया तो उसकी तुलना में ये भाव 54% प्रीमियम पर है। मस्क ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ फाइलिंग में ऑफर की जानकारी दी है। तो ट्विटर को 3.2 लाख करोड़ में खरीदने के लिए तैयार है एलन मस्क। अगली अपडेट है, राज्यसभा टीवी की तर्ज पर हो सकता है उच्चतम न्यायालय में अपना चैनल, यानी कि वहां से आपको आंसू से सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। उच्चतम न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई और कार्रवाई का सीधा प्रसारण लोकसभा और राज्यसभा टीवी की तर्ज पर हो सकता है। कार्रवाई के सीधे प्रसारण के लिए सुरक्षित और समर्पित चैनल बनाने पर विचार किया जा रहा है। विचार विमर्श होने के बाद इस पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, 500 करोड़ की लागत से बदले जाएंगे तार, रुकेंगी बिजली चोरी। जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी नंगे तार पोल पर कहीं कहीं दिखाई दे रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में तो ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। उसको केबल के तौर पर बदला जाएगा, जिससे बिजली की चोरी से निजात मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, भारत जल्द बनेगा 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि लक्ष्य को पाने में कर संग्रह की होगी अहम भूमिका। तो मैं आपको बता दूं कि भारत 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा या नहीं बनेगा, या तो भविष्य की बात है। फिलहाल इस तरह की खबरें लगातार समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती हैं। जब तक पटल पर ना आए, जब तक हो ना जाए, तब तक क्या विश्वास। अगली अपडेट है, बच्चे संक्रमित मिले तो बंद होगा स्कूल। देखिए, कोरोना की महामारी धीरे धीरे राजधानी में फैल रही है, यानी कि दिल्ली में फैल रही है। तो आदेश जारी किया गया है, अगर एक भी बच्चा संक्रमित पाया गया तो स्कूल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अगर आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हो, आप चाहते हो कि लगातार पढ़ाई होती रहे, तो खुद सेफ रहो, सुरक्षित रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, जिससे कोरोना संक्रमित ना हो, जिससे आपका स्कूल भी ना बंद हो, आपकी पढ़ाई भी ना छूटे। अगली अपडेट है कि मंत्री 4 दिन लखनऊ में रहेंगे और 3 दिन जिलों में रहेंगे। अब मंत्री जी 4 दिन लखनऊ में रहेंगे, 3 दिन जिलों में रहेंगे। क्या 3 दिन जिलों में रहने पर अपने क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, अपने क्षेत्र को देखेंगे, अपने क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे? ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने योजना में अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए निर्देश दिए हैं। अब किस क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, यह देखने वाली बात है। कहीं 2017 से 2022 की तरह मनरेगा वाला रोजगार ना मिले। अगली अपडेट है, कोयले की कमी से गहरा सकता है बिजली संकट। वैसे मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बिजली बहुत कम आ रही है। रात में बिजली कट जाता तो मच्छर नोच नोच के खा लेते हैं शरीर को। मान लीजिए कि ऐसी स्थिति होती है कि इधर भागना पड़ता, उधर भागना पड़ता, बाहर जाओ, छत पर जाओ, इस तरह की कंडीशन गांव में है। कहा जा रहा था कि हम 18 घंटे बिजली देंगे, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। गर्मी में बिजली की आवश्यकता होती है, ठंडक में बिजली की उतनी आवश्यकता नहीं होती। ठंडक में खाना
खाते समय बिजली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गर्मी में बिजली की आवश्यकता होती है, फैन चलाना पड़ता है, कूलर चलाना पड़ता है, जिसकी जो व्यवस्था हो, क्योंकि गर्मी में पसीना खूब होता है, उसे सुखाना भी पड़ता है। तो अगर गर्मी के सीजन में बिजली नहीं आ रही है, ठंडे के सीजन में बिजली आ रही है, तो क्या फ़ायदा है? तो सरकार के जो दावे हैं इस तरह से फेल होते नज़र आ रहे हैं। अब नमक, तेल, चीनी कब तक मिलेगा? नमक, तेल, चना कब तक मिलेगा, आपके जहन में सवाल होगा, क्योंकि मार्च में आपको देखने को नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं, इस बार अप्रैल के अंत में मिलेगा नमक, तेल और चना। तो आपको अप्रैल के अंत में वेट करना पड़ेगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं, अप्रैल माह में 3 बार आपको राशन मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, UPPSC अब BEO भर्ती के कटाप के लिए अड़े अभ्यर्थी, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कटाप दिखाने में कतराता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कटाप दिखाने में कतरा क्यों रहा है। देखिए भाई, सभी के जहन में एक सवाल है, जब भर्ती पारदर्शी तरीके से हो रही, सही रूप से हो रही है, तो कटाप दिखाने में दिक्कत क्या है? अभ्यर्थियों को भी जानकारी मिले कि हमने कितनी पढ़ाई की और कितने नंबर मिले और कितने नंबर से हम चूक गए। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर कटाप नहीं दिखा रहा है, तो क्या आपको कुछ गड़बड़ लगता है? अगर गड़बड़ लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वैसे गड़बड़ होना नहीं चाहिए। अब दरोगा भर्ती की बात कर लेते हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा परिणाम जारी हो गया। हमने आपसे कल ही कहा था, आज 14 तारीख है, हमने बताया था आपको कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में परिणाम जारी हो जाएगा, बताया था या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने यह भी कहा था कि कटाप चौंकाने वाला होगा और कटाप को देखकर आप चौंक जाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं आपका चैनल देखना बंद कर दूंगा अगर 75 से 80% कटाप नहीं गया। हमने कहा वेट करिए, हमने कहा वेट करिए, 75 से 80% कटाप जाएगा। आप लोग अगर आप लोग परसेंटेज निकालना जानते हैं तो कृपया कर 302 का परसेंटेज निकाल कर दिखाइए। जनरल का कटाफ 302 गया है, कटाफ अधिक गया या नहीं, मेरी बातें सही हुई या नहीं? हमने आपसे कहा कि कटाफ चौंकाने वाला होगा, आपने कहा कितना कटाफ जाएगा बताइए। मैंने कहा कि 75 से 80% के बीच में कटाफ रहने वाला है। तो क्या 75 से 80% के बीच में कटाप गया या नहीं गया? दूसरी बात, हमने कहा कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में परिणाम पर मुहर लग गया है और परिणाम सेकंड वीक में जारी करने की तैयारी चल रही है। उत्तर कुंजी जारी होगी, इसके बाद परिणाम जारी होगा। अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आपको जानकारी होगी। और 14 तारीख को परिणाम जारी कर दिया गया। मेरी बात सही हुई या गलत? इसलिए मैं कहता हूं कि सच को सच कहूंगा, झूठ को झूठ कहूंगा। अभी दरोगा भर्ती में एक और खेला देखने को मिलेगा। क्या खेला देखने को मिलेगा, इसके संबंध में अगली वीडियो का इंतजार करिए, जिससे आपको जानकारी मिल सके। सही और सटीक खबरों के लिए आप हमसे जुड़िए। निगेटिव नहीं बोलता हूं मैं, पॉजिटिव बोलता हूं, सच को सच कहता हूं। अगर मैं कह दूं कल भर्ती आएगी, कटाफ कम जाएगी, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई बता दूंगा तो आपको बुरा लगता है। आप कहते हो निगेटिव बात करते हो, तो भैया अगर सच्चाई आपको निगेटिव लगता है तो इस चैनल से कभी मत जुड़िएगा, क्योंकि सच का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।